हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टेक इंटरव्यू प्रिपरेशन चैनल पे, जहाँ पे हम और आप मिलके इंटरव्यू रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चंस और इंटरव्यू एचआर क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम वेरिएबल को कैसे स्वैप कर सकते हैं पाइथन में। दोस्तों तो दोस्तों हम लिखते हैं कि हाउ टू स्वैप वेरिएबल using थर्ड वेरिएबल। दोस्तों हम थर्ड वेरिएबल की सहायता से कैसे यूज कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने x इक्वल टू 15 लिया दोस्तों एंड y इक्वल टू 10 लिया दोस्तों, एंड दोस्तों हमने लिया कि temp इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू y दोस्तों, एंड दोस्तों y इज इक्वल टू हमने लिया temp दोस्तों, एंड प्रिंट कराते हैं दोस्तों। प्रिंट x की वैल्यू दोस्तों हमने प्रिंट करा दी दोस्तों, फिर हमने प्रिंट कराया y को दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम इसे रन करा के देख लेते हैं दोस्तों कि इसकी वैल्यू क्या आती है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों यहाँ पे हमने इंटर कराया था x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 10, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वैप होके वैल्यू क्या आई है, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 15 दोस्तों, ये वैल्यू पूरी चेंज हो चुकी है दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू दोस्तों ये वैल्यू यहाँ से बिल्कुल जो है दोस्तों ये चेंज हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक इस वेरिएबल को स्वैप कर सकते हैं बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज करके दोस्तों। तो इसे हम कमेंट करते हैं दोस्तों, एंड अब हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू स्वैप वेरिएबल विथ आउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। दोस्तों हमने x इज इक्वल टू 10 लिया, y इज इक्वल टू 50 लिया दोस्तों। देन दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम इसको स्वैप कर सकते हैं बिना किसी वेरिएबल का यूज करके दोस्तों। दोस्तों हमने यहाँ लिखा x इज इक्वल टू x प्लस y दोस्तों, देन दोस्तों हमने लिखा y इज इक्वल टू x माइनस y दोस्तों, देन दोस्तों हमने लिखा कि x इज इक्वल टू x माइनस y दोस्तों। देन दोस्तों हम इसे प्रिंट करा लेते हैं दोस्तों इसे प्रिंट कराने से बढ़िया दोस्तों यहाँ से कॉपी कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी ये कमेंट आ जाएगा लोगों दोस्तों, लिख लेते हैं इसे हम। प्रिंट कमेंट किया गया दोस्तों x की, जिससे कि हमें वैल्यू x की पता चल जाएगी दोस्तों कि चेंज हुआ है दोस्तों, स्वैप हुआ है कि नहीं दोस्तों। हमने प्रिंट कराया y दोस्तों, हम प्रिंट करा दिया y दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं इसे कि इसका वैल्यू चेंज हुई कि नहीं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने दोस्तों ये देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 10 थी और y की वैल्यू 15 थी दोस्तों, और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 15 हो गई और y की वैल्यू 10 हो गई दोस्तों। मतलब कि दोस्तों यहाँ जो y की वैल्यू 15 थी वो यहाँ पे 10 हो गई दोस्तों, मतलब इसका मतलब हुआ दोस्तों कि हमने वेरिएबल को स्वैप कर लिया है बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज किया दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि हम पाइथन की जो फंक्शनैलिटी है उसका यूज करके हम इतनी लंबे कोड को न लिख के कैसे हम दो तीन लाइनों में हम वेरिएबल को स्वैप कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको पाइथन की खूबसूरती दिखाने वाला हूं दोस्तों, हाउ टू स्वैप वेरिएबल। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 15 दोस्तों, ये देखिएगा x कॉमा y इज इक्वल टू y कॉमा x प्रिंट। ओहो दोस्तों प्रिंट कराया दोस्तों, हमने x की वैल्यू को प्रिंट कराना है दोस्तों, प्रिंट करा दिया x की वैल्यू दोस्तों, फिर हमें प्रिंट कराना है y की वैल्यू को, हमने उसको भी प्रिंट करा दिया दोस्तों। अब इसे हम रन कराते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमने x की वैल्यू यहाँ पर 10 और y की वैल्यू 50 ली हुई थी दोस्तों, और यहाँ पे देखिए दोस्तों x की वैल्यू 15 आ गई है और y की वैल्यू 10 आ गई है दोस्तों। ये देख रहे हैं दोस्तों, हमने जो ऊपर ये
इतनी लंबी दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 लाइन लिखी हुई थी दोस्तों। ये अब देखिए दोस्तों, अब हमने 1 2 3 5 लाइन में से कंप्लीट कर लिया दोस्तों। दोस्तों पाइथन एक गजब की इजी लैंग्वेज दोस्तों। हम मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे दोस्तों वो ये वाई इज इक्वल टू 15 है दोस्तों, हम इसे भी हटा के एक लाइन में लिख सकते हैं दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 10, 15 लिख दे सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, तभी ये दोस्तों ये स्वैप करेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू 10 दी हुई थी, वाई की वैल्यू 15 दी हुई थी, उसी जगह यहाँ एक्स की वैल्यू 15 हो गई है और वाई की वैल्यू 10 हो गई दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये स्वैप हो गया दोस्तों वैल्यू वेरिएबल दोस्तों। जिस तरह हमने प्रिंट को भी हम एक में कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हम इस प्रिंट को हटा के हम वैल्यू को एक्स और वाई को प्रिंट करा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों हमने इसे इसमें हमने प्रिंट कराया एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम इसे प्रिंट कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, वैल्यू स्वैप हो गया है दोस्तों। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको इन इन तीन तरीकों में से एक ये स्वैप करने का तरीका दोस्तों, एक जो हमने बिना किसी वेरिएबल का यूज के स्वैप किया दोस्तों, तीसरा दोस्तों जब हमने किसी एक वेरिएबल का यूज किया है दोस्तों, तो आपको इन तीनों में से कौन सा तरीका पसंद आया है दोस्तों, ये हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप हमें जरूर बताइए दोस्तों आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा तरीका पसंद आया है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ साथ अगर इसके अलावा भी और कोई तरीका है दोस्तों, तो जरूर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, इस तरह के कोडिंग क्वेश्चन को सीखने के लिए और इंटरव्यू में प्रिपेयर होने के लिए हमारे क्वेश्चन को फॉलो कर लें दोस्तों। हमारे इस चैनल पे हम बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।